फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। से है भाई आपका चंद्रशेखर लोधी और मैं लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए एक और नई वीडियो। आज मैं बता दूँ, आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। हैप्पी नवरात्रि। आज से मींस जो आसपास के लोकल एरियाज हैं तो आज मूर्ति भी खरीद रहे होंगे। जो मंडली वाले हैं, गाँव के लोग आते हैं यहाँ पे शहर में खरीदने के लिए मूर्ति और फिर ले जाते हैं यहाँ से माता रानी की मूर्ति। अभी मैं चलता हूँ आप लोग के लिए शॉप पे। मैंने देखा था कि नगर पालिका के पीछे एक भैया मूर्ति बनाते हैं, अभी उनकी शॉप पे ले चलता हूँ मैं आप लोग को और दिखाता हूँ कि भैया ने कैसी कैसी मूर्ति बना के रखी है। अभी मैं हूँ ग्राउंड में। ये नरसिंहपुर का स्टेडियम है। अभी मैं स्टेडियम में हूँ। अभी लेके चलता हूँ मैं आप लोग को शॉप पे और दिखाऊंगा कैसी कैसी मूर्तियाँ हैं भैया ने। अभी तो वैसे पेंट वगैरह सारी चीज़ हो चुकी होगी, मूर्ति है पेंट हो चुका होगा। अभी मैं लेके चलता हूँ आप लोग को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं सीधे, मैं आप लोग को वहीं शॉप पे मिलूँगा। तो चलिए। तो जी हाँ, मैं निकल चुका हूँ अपनी साइकिल से और ये है मेरी साइकिल और ये यहाँ पे नगर पालिका है और चलता हूँ मैं आप लोग को लेके। ये यहाँ पे नगर पालिका आ चुका है, ये चौराहा है नगर पालिका का। मैंने सुना था कि ये इसी के पीछे बनाई जाती। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोग को। बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है यहाँ पे। ये लक्ष्मी मंदिर है यहाँ का। और यहीं के पीछे वो दिख रही होगी शायद तक आप लोग को, वो मूर्ति ले जा रहे हैं भैया लोग, माता रानी की मूर्ति। मैं दिखाता हूँ आप लोग को, अभी जल्दी से चलता हूँ मैं। ये कोई आसपास की गांव में मूर्ति लेके जा रहे हैं माता रानी की। मैं साइकिल यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से। तो अभी मैं आ चुका हूँ शॉप में और दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये है शॉप और ये है भैया इनकी, ये है शॉप। अभी अंदर मैं दिखाता हूँ माता रानी की और ये मूर्ति लेके जा रहे हैं, कोई गांव है, गांव में लेके जा रहे हैं। ये बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं ये लोग। अभी लेके जा रहे हैं और मैं दिखाता हूँ अंदर मूर्ति आप लोग को। तो चलते हैं और दिखाता हूँ। ये है मूर्ति और ये आंटी इधर पे कुछ डिज़ाइन वगैरह कर रही हैं, जो जो भी खामियां रह गई हैं मूर्ति में। और यह एक और माता रानी की मूर्ति, ये भी है इधर पे और ये भैया कुछ कर रहे हैं। ये देखिए छोटी मूर्ति भी हैं कुछ भैया के पास, छोटी मूर्ति भी बनाई है भैया ने। और ये देखिए ये भैया भी डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ कुछ। ये देखिए भैया के पास बहुत सारी छोटी मूर्तियां हैं और ये भी बना के वो गणेश जी रखे हैं। तो मींस जो बिक नहीं पाता है, जो मूर्ति बिक नहीं पाती हैं, रख लेते भैया। और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां, ये देखिए गणेश जी भी पहले से और कुछ डिफेक्टेड भी हो जाता है भैया का। और ये भैया हैं और ये कहीं कहीं लोकल में इधर शहर से भी ले जाते हैं और गांव से भी, ये सारे लेने के लिए आए हैं। और अगर ये देखिए नर्सरी भी है भैया के पास, कुछ कुछ पेड़ पौधे वगैरह यहीं पे है। अगर आपको लेना हो कुछ भी, जो भी चीज़ मूर्ति या कुछ रिलेटेड तो आपको चाहिए हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। ये एड्रेस डाल दूंगा नीचे, आप लोग ज़रूर से चेक कर सकते हैं। और ये लक्ष्मी मंदिर के पीछे है, नगर पालिका चौराहे पे है। आप लोग आ सकते तो यहाँ पे नर्सरी और मीन्स छोटे पेड़ वगैरह जो हैं वो भी रखते भैया। और भी उनका काम है, जैसे आपको गमले वगैरह का, प्लास्टिक का लेना है कुछ भी, और चेक कर सकते हैं अगर आपको आना है यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा देते सामान। मैं भी कई बार यहाँ पे आया था गणेश जी लेने के लिए, भैया के पास आया था। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, बने रहिए व्लॉग में। Thank you.
ये ले जा रहे हैं भैया कोई छिनकी गांव से आए हैं इधर लेने के लिए। ये मूर्ति रखे हैं भैया और मूर्ति को छिनकी ले जा रहे हैं। आगे दिखाता हूँ मैं, ये देखिए नर्सरी का काम भी है। ये बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे भैया के पास, तो ये बेचते हैं। और ये मिट्टी के गुल्लक वगैरह है और ये सारी चीज़ प्लास्टिक का सारी चीज़ है। वो देखिए गमले हैं, घर में लगा सकते हैं आप लोग। और ये सारी चीज़ है, ये देवी जी के कहीं से लेके आए हैं, कोई शॉप से लेके आए हैं। और ये सारे दूर के हैं, हम इस लोकल एरिया के हैं, कोई शहर का नहीं है। और ये लेके जा रहे हैं मूर्ति। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और यदि आपको ये कुछ भी टीका या जो भी मूर्ति वगैरह या गमले और नर्सरी का भी काम है भैया के पास, तो यदि आपको चाहिए तो मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप फटाफट से आ सकते हैं शॉप पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।